ये तो मैं अभी देखे बता दूँ, ये सस्ता है, तो तूने ही बनाया हो। कैमरा में सभी रेड लगता है, पटना Hey everyone, welcome or welcome back to another chapter of my YouTube journey. If you guys are new here, hello, my name is Krishma and you're watching Science Girls. So, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ prank on Jack. Happy April Fool, April Fool plus prank करने वाली हूँ मैं Jack के ऊपर. जैन हेडफोन आपके दूसरे कमरे तो नहीं क्या देख रहा है. मेरे पास सिर्फ इतने प्रोडक्ट्स हैं, दिखा दे. मेरे पास सिर्फ इतने प्रोडक्ट्स हैं. I don't know, पता नहीं क्या बनेगा. अगर अच्छा बना तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हम नहीं. क्यों है आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, बता दो ये बात. मेरे इतने कम प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में आए हैं यहाँ. वैसे तो दीदी के पास बहुत मेकअप होता है, पर जब काम का समय होता है तब दीदी किस काम तो मुझे क्या पता था प्रैंक करना है. दिया ने मुझे बोला चलो आज अप्रैल फुल है तो प्रैंक भी कर सकते. वो भी मेरा दिमाग था तो मैंने चलो मन बना लिया, क्योंकि बना लिया बस. तो यार इतने इतने प्रोडक्ट से बन ही जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में आई थी दिल्ली से, तो मैं इतने ही प्रोडक्ट लाई हूँ. प्रैंक ये है कि मैंने क्या करना है, मैंने ना मैंने अंग्रेजी की एक्टिंग करनी है और इसने मेरे यहाँ पे ऐसे चोट वाली मेकअप बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेड रेड से जो भी है आई होप बन जाए. इसमें हेल्प करेगी मेरी बहन दिया एंड गोल्डी सिर्फ साइड में बैठ के देखेगी. लाल भूत बने आज. सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे हम कितना भी टाइम लगा लें, कुछ भी कर ले जाने आना नहीं है. क्यों बिजी रहता है अपने फोन में. देखते हैं दिया का आज टैलेंट. मुझसे क्या कर रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट बनने की कोशिश आप करते हो. तूने तो बोला मैं करूँगी, आप खुद भी कर. मैं सब देखूंगी. चल बस पंच तेरे को आता भी है क्या ऐसी कर दी. कुछ मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट है. फिर बालों में मत लगा ना, मुझे नहाना पड़ेगा. मैं खराब कर रही हूँ. मैं थोड़ी वैसे अपनी वीडियोस बना रही हूँ, समझो तुम समझ नहीं रहती. ये टीका लगा रही हूँ मेरे मेकअप नहीं हो पाएगा मुझे. ना ज़्यादा मत कर, उसको समझ आ जाएगा मुझे. ज़्यादा ही कर रही है, ज़्यादा भी तो लगना चाहिए. मेरी लिपस्टिक जो खराब कर रही है ना, तो इसकी बहुत दंड भुगतना पड़ेगा. मेरी फेवरेट लिपस्टिक दोनों ज़्यादा मत करना. कुछ क्या कर रही तू ये गंदा सा. आपकी एक्टिंग सोच के भी लग रहा है मुझे. अच्छा कुछ करोगे नहीं आप एक्टिंग ना ही आपका मेकअप. दिया तम्मी से रह गया क्या मेरे कॉन्फिडेंस में, वो मत कर. ऐसा ऐसा ऑरेंज कर रखा है इसने, ऐसा लग रहा है कुछ. यहाँ भी करना बहुत ही घटिया जो लग रहा है ना. मेरी प्रोडक्ट खराब हो गए इसमें. लाल होता है ना तो बहुत सस्ता है उस लड़की तो भरता है ना. तो उसके बाद प्रोडक्ट है ना, मैं लिखी नहीं आई हूँ भाई. ये तो मैं अभी देख के बता दूँ, ये सस्ता है. तो तूने ही बनाया हो. ये ना ये जो ये चमकाहट उसको कम करो. ये तो असली लग रहा है. कैसा लग रहा है? मैं अपना नहीं बोलना चाहिए. मेरे आंखों के सामने बता ना, मेरी पीठ के पीछे रहना बस. तुम बता दीजिए एक्टिंग तो हो नहीं पाएगी. मुझे सही हो पाया बस. दिया तो कुछ करने से बैठे हुए तो इतना लुल हो जाएगा फिर. ये तो नहीं लग, ये तो क्या लग रहा होगा फिर. वीडियो में तो और नकली लग रहा है. नहीं वीडियो में थोड़ा धंका लग रहा है असली के हिसाब से. इतने सामने भी नहीं बोला ठीक है, वो भी टॉर्च जला गई. दीदी के पास कुछ नहीं तो दीदी अब कुछ भी कर रही है. दिख रहा है? कुछ भी करे अल्लाह. तो नेल पेंट की स्मेल आ रही थी, अब से भी आएगी. अब दीदी आप क्या करने वाले हो उसके आगे, जल्दी बताओ. कुछ नहीं करने जो करने तुम करोगे. कैमरा पकड़ के क्यों करेंगे, कैमरा सेट करूंगी मैं तो अभी जाके. कैमरा में सभी रेड लगता है, बट मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे. तो
वीडियो बना रही है पता नहीं चला सच बताओ मुझे लगा तुमने वीडियो देख लिया तुम एक्टिंग कर रही हो मैंने कहा यार मैं कंफ्यूज हो गई थी गाइस मुझे बहुत मजा आया 8 मिनट की वीडियो बनी है देखो गाइस क्या खतरनाक चोट बनाई है मैंने देख रहे हो तो मुझे लगा जैन पहचान लेना है मुझे लगा जिन देख लिया पता नहीं मैंने एक्टिंग की नहीं वो खुद ही आ गई थी अपने आप अंदर से ही और फिर बाद में मैं ऐसे रोई जैसे कि असली में रो रही हूँ मैं तुम रेस्ट कर लो तुम्हें धक्का तो नहीं लगा कुछ अब चोट के ऊपर ना वो चल रही चर्चा कि कैसे गिरने पे कैसी चोट लगती है मैं ना सीढ़ी से गिरी इतनी जोर जोर सबने आवाज निकाली तुमने सुना नहीं दम दम बस मैंने बोलता ना दिया गिरी गमला गिरा दो मैंने कहा कौन से पता चल रहा है हेडफोन लगा रखा अंदर आके बोलूंगी पर मेरे को अपने आप रोना आ गया था मैं तो हंसी कंट्रोल नहीं होती गोल्डी को देख के गोल्डी को मैं जिस किसी इंसान को चोट लगती सब उसके पास आते ना जैसे दूर दूर जाए थे मैं तभी तो बोलती गोल्डी चल लो चल खुशी हुई जय को पता नहीं चला मैं पता क्या सोचती मैंने कहा इतना खतरनाक लगना चाहिए कि जय को ऐसा लगना चाहिए कि चलो डॉक्टर के पास जय चलो दीदी इतनी गंदी है बता मुझे दो आईडिया वैसे दिया गया था पहले हम नहीं कर रहे थे पर फिर हमने एक वीडियो देखी तो फिर हम करने लगे हैप्पी अप्रैल फूल रोहित तब से ये वीडियो बनाने जा रहे हैं बोला रील बना रहे हम वो वहीं आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को धक्का दे दिया भाई इन दोनों ने मुझे धक्का दिया बोला आज का दिन रील नहीं बनी वो मैंने चुन्नी पकड़ ली थी और मेरे पैर के नीचे थी चुन्नी और गोली ने खींच दी और मैं गिर गई थी तो हम शाम की बैठक होंगे मत करना ये मेरे वही मार रही है हमने प्रैंक किया जय के ऊपर और जय कह रहे चलो डॉक्टर के पास और जीजू सामने से मान गए जय को नहीं लगा तेरे को तो लग गया जय जो मेरे साथ रहता है उसको तो लगा नहीं बिहाइंड द सीन तो हमने डाल रखा है सब कर रखा है इनके साथ मैं भी कर लेता हूँ
पर क्यों नहीं पता चला आपको कैमरा रखने के बाद भी? नहीं देखा, मैंने नीचे देखा, नीचे पता नहीं कुछ और वो गिरा इधर उधर था ना, मैं सेट उसको सेट करने लग गया। चोट लगती है ना सब उसके सामने आते हैं ना, दिया गोल्डी ना दूर दूर भाग के पता नहीं कहाँ कहाँ मैं इनको बुला रही था। हाँ ये गोल्डी ना मेरी वीडियो बनाती जाए के सामने। मेरा प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा ना तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो मेरे चाय बनाओ, मैंने तो जैकेट भी पहन ली इतनी गर्मी में। चलो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मैं क्या करूँ। हंसी आ रही थी ना मुझे उस टाइम पे, पहले मैंने एक्टिंग तो स्टार्ट कर दी, मैंने कहा एक बार एक्टिंग स्टार्ट कर ली ना तो हंसूंगी नहीं मैं, तो मैं बहुत अच्छा रोई। और उसके बाद ना मैं इतना अच्छा रोई और पता क्या हुआ, मैंने ऐसे करके अंधेरे में आ गई ताकि ना जाकर चोट ना असली से देखे ना, मगर मेरी चोट लगी, मगर ये तो नकली से लग रहा, मगर मेरी चोट लगी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मैंने दूसरा प्रैंक भी किया सूरज के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्रैंक तो नहीं था, वो सस्ता ज़्यादा ही सस्ता। चुप रह तू ठीक है, अपने आप तो तू हंस हंस के वहाँ इतना गंदा से मेरा पिंक सब वो बना दिया। मैंने कम से कम अच्छा तो बनाया, मैंने सोचा दिया अच्छा बनाएगी मेरा, मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ी। आइडिया किसने दिया? अगर मैं आइडिया देती तो कुछ हो पाता? ये आइडिया मेरे को पहले से आ रहा था पर मुझे अभी नहीं याद आया ना था। अब हम खाना बनाने जा रहे हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं एंड मैंने सूरज में प्रैंक किया और वो भी सक्सेसफुल रहा। अचानक से देख के उसको ऐसा लगा था कि असली में है चोट, फिर उसके बाद कह रहा था कि मैंने 2-3 बार सोचा तब ऐसा लगा था कि दीदी तो वैसा मेकअप भी करती है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया लोगों को सताते हुए आज। चलो गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आया, सो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अगर आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री। बाय, टेक केयर।